मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूँ इसलिए दिल में आया ये बात कहूँ। एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। बड़े तेजस्वी आदमी थे। जब संसद में भाषण देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाषण होता था, नेहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे। खुद प्रधानमंत्री लोहिया जी का भाषण सुनने के लिए जाते। एक बार क्या हुआ, नेहरू जी का लोहिया जी का संसद में टक्कर हो गई। नेहरू जी पंचवार्षिक योजनाओं की विशेषताओं पर भाषण दे रहे थे और संसद को बता रहे थे कि मेरी पंचवार्षिक योजना माने 5-ईयर प्लान से इतनी गरीबी दूर होगी, इतनी बेकारी दूर होगी, इतनी भुखमरी दूर होगी। तो लोहिया जी ने एक सवाल पूछ लिया था, संसद की दस्तावेजों में दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है, सवाल ये पूछ लिया था प्रधानमंत्री महोदय से कि इस देश के सबसे गरीब आदमी की आमदनी बता दो कितनी है। प्रधानमंत्री से पूछा था, सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी बता दो। तो प्रधानमंत्री परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा तत्काल तो नहीं बता सकता, तो उन्होंने कहा 2 महीने में बता दो, 3 महीने में बता दो, बता दो। तो 2-2.5 महीने के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया और 2.5 आना है। और ये बात चल रही है 60s की, 60 के दशक में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद में। तो उस समय 2.5 आना आमदनी थी एक गरीब आदमी की, जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की। मैंने हिसाब जोड़ा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कि 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपया है और 1965 के आसपास सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। तो 2.5 आना 1965 का 2009 के 20 रुपए के ही बराबर है। आप बोलेंगे वो कैसे, वो ऐसे कि हमारे रुपए का पिछले 40-45 सालों में बहुत अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्युएशन हुआ है। तो 1965-66 के दौर का 2.5 आना 2009 का 20 रुपया बैठता है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। ये है वास्तविक स्थिति। अब थोड़ा पीछे चले, सरकार के पास जब ये प्रश्न जाता है तो वो ये उत्तर दूसरे तरह से देते हैं। वो कहते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्षिक योजनाएं लगाई हैं, चलाई हैं। एक पंचवार्षिक योजना बनती है तो उसका खर्चा 10 लाख करोड़ का होता है, एक पंचवार्षिक योजना, एक 5-ईयर प्लान। और 11 5-ईयर प्लान बन चुके हैं, 10 लाख करोड़ का एक होता है, तो सीधा सीधा हिसाब निकलता 110 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने खर्च कर ही दिए। अब 110 लाख करोड़ रुपए जिस देश की पंचवार्षिक योजना में खर्च हो चुके हैं, वहां 84 करोड़ लोग गरीब कैसे हैं, यह समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही बांट देते तो हर आदमी इस देश में लखपति हो जाता, क्योंकि 115 करोड़ की तो जनसंख्या है और 110 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। करोड़ से करोड़ को काट दो, 110 लाख बचता है और 110 लाख में 110 का भाग दे दो, हर आदमी पर 1 लाख रुपए तो निकल ही आता है ना। तो हर आदमी लखपति हो जाता अगर ये योजनाएं ना होती, सीधे रुपया उनको दे दिया जाता, माने गरीबी से तो बाहर आ ही जाता हर आदमी। लेकिन योजनाएं सरकार ने बनाई तो गरीब तो वहीं के वहीं रहे और ज्यादा बढ़ गए, योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गई।
जिन्होंने योजनाएं बनाई और जिन्होंने योजनाएं चलाई, सब करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए सबके सब। और जिनके लिए योजनाएं बनाई वो सब वहीं के वहीं रोडपति हैं अभी भी। मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं, अंग हैं, व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए, वो व्यवस्था तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गई, लेकिन जिनके लिए वो चलाई गई थी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है, इस व्यवस्था में दोष है। और ये बात मैं नहीं कहता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही, सारे देश की आंखें खुल गई। उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा व्यवस्था खा जाती है, भ्रष्टाचार और लूटखोरी में चला जाता है। ये 1984 में उन्होंने कहा था जब भ्रष्टाचार बहुत कम था। अब 2009 आ चुका है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हो सकता है अब 1 रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। मतलब सीधा सा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाने के लिए, देश के दुख दर्द मिटाने के लिए, वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है, गरीबी का, भुखमरी का, बेकारी का, हमारे दुख दर्दों का। माने व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था में खोट है। और वो दोष क्या है? राजीव गांधी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज। कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगह जगह से छेद हैं उसमें, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल घड़े को भरते ही रहिए, कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद है उसमें। ऐसी हमारी व्यवस्था है। कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, विकास होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था में जगह जगह लीकेज है। इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। सत्ता बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम कहां फंसे हैं? हम यहां फंसे हैं, एक पार्टी की सरकार आई, दूसरे को बिठा के देखो, दूसरे की आई, तीसरे को बिठा के देखो, तीसरे की आई, चौथे को बिठा के देखो। काम तो सब एक ही तरह से करते हैं, तरीके सबके एक ही जैसे हैं, नाम का फर्क है, नीतियां सबकी एक ही जैसी है। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम था, उसमें ज्यादा था। मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी, उसमें कुछ कम था, अब और ज्यादा है। और इसके आगे कोई आएगी तो कहेंगे अब और ज्यादा है। सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारें हैं, दोष और खोट वहां पर है। जब तक उस दोष और खोट को आप मिटाते नहीं, तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होती नहीं। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता। एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओगे आप उसे? गाड़ी ही खराब है। आपने कहा भाई इसको ड्राइवर बना लो, उसने चला के देखा, उसने कहा 1-5 साल चला के छोड़ दिया, वो कहता खटारा है, बेकार है, अब दूसरे को बना लो, तीसरे को बना लो। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है ना, ये गाड़ी के जैसी है। 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी,